तो भाई लोगों, आज मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का, और मैच भी क्या T20 मैच। और इस मैच की सबसे बड़ी खासियत बात यह होगी कि 14 महीने बाद, जी हां 14 महीने बाद, मंथ बाद, रोहित शर्मा जो कि वापसी करेंगे T20 क्रिकेट में। इसका मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप में भी भाई साहब खेल सकते हैं। कैसा ये मैच होगा, मोहाली में ये मैच होगा, मोहाली की पिच कैसी होगी, कैसे आपको टीम बनानी है, गेम चेंजर कैप्टन आपके लिए कौन बनेंगे, दो बड़े नाम दोनों ही टीमों से जो इस मैच में खेलने नहीं वाले हैं उनकी जगह कौन खेलेगा, कैसे टीम बनानी है, इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। बस आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप वाकई आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो मिले, हर मैच की वीडियो मिले, तो आप सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि IPL आने वाला है। IPL में इस बार बहुत चीजें आपको ऐसी बताऊंगा आपका दिमाग हिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाले वीडियोज आप सबसे पहले देख सके। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मैच को लेके। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। जो आप अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको हर मैच की पूरी फाइनल टीम मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जुड़ जाइए और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आप जीत सकते हैं एक SUV कार। SUV वो बड़ी वाली जो कि थोड़ा सा रोड से ऊपर होके चलती है, वो आप जीत सकते हैं। जीतिए और ड्राइव पे निकलिए, लॉन्ग ड्राइव पे निकलिए, बताऊंगा कैसे आप जीत सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू को लेके। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली में ये मैच खेला जाएगा। देखिए, आपको चीजें बताता हूं। पहली चीज, ये एक फ्रेश विकेट होगा, फ्रेश विकेट मैच नहीं खेले गए। फ्रेश विकेट होता है बैटिंग वाइज बढ़िया। जब फ्रेश विकेट पे मैच खेला जाता है तो थोड़ा सा जो पिच आता है ना, वो थोड़ा सा सपाट होता है, उस पिच पे बैट पे बॉल बहुत अच्छे से आता है, रुक के नहीं आता। जब यूज्ड विकेट होता है तो रुक के गेंद आता है, जिसकी वजह से उतना इजीली होता नहीं रन्स करना। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट ये रहता है। इसके साथ साथ ये एक फ्रेश विकेट है तो बैट्समैन के लिए अच्छा होगा। मोहाली की सबसे बड़ी चीज कि स्टार्टिंग में मूवमेंट रहता है पेसर्स के लिए, यानी कि वो ऐसी ऐसी वाली बॉल को समझते हो ना आप, स्विंग आउट स्विंग इन स्विंग, जो एयर में हवा में जो बॉल घूमता है, तो उस तरीके से थोड़ी सी चीजें पंजाब की इस विकेट पे देखी जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो स्ट्रेट की बाउंड्रीज रहती है उसकी डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी है, जिससे कि उतना इजी नहीं होगा। लास्ट के कुछ जो ओवर्स रहते हैं जहां पे हिटिंग जोन में प्लेयर्स रहते हैं, तो वो उतना इजी नहीं होगा। अगर आपको इस विकेट की डायमेंशंस को जानना है तो कभी आप देखो पंजाब किंग्स इलेवन का मैच देखो मोहाली पे, क्रिस गेल के भी आप हिटिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उतना इजी उस स्ट्रेट की बाउंड्रीज को क्रॉस करना नहीं होता है। तो वो थोड़ी सी चीज है। अभी डायमेंशन अगर न्यू हुई है, अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा किया गया, वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए यहां पे अब बात करते हैं कि कैसे आप SUV कार जीत सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये आप देख सकते हैं माई 11 सर्कल पे। अगर आपने खेलना शुरू नहीं किया है तो भाई कर दो, क्यों, क्योंकि आज के मैच में आप जीत सकते हैं एक चमचमाती हुई SUV कार। जी हां, SUV कार, प्राइस तो आपको मिलते ही है, SUV कार भी मिलेगी, बड़े बड़े प्राइज भी मिलेंगे। यहां पर जो कॉम्पिटिशन है उसका तो लेवल ही कम है भाई, मतलब जीतना तो इतना ईजी है कि अगर 5-6 टीमें चल गई तो आप मान के चलिए कि आप जीत गए। अगर आपके CVC चल गए, SUV कार आप जीत सकते हैं इस मैच के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से डाउनलोड कर लेना SUV कार, भाई मजा आएगा। आप खेलो तो सही, टीम आपको मिलेगी। और अगर आपको इसमें खेलना है, अगर पहले डिपॉजिट करते हो, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए माई 11 सर्कल पे, तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। मेंस की 10 के 12,000 रुपए आपको मिलेंगे माई 11 सर्कल पे। इसके साथ साथ आपको 1,500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा। आप बहुत सारी फैंटेसी डाउनलोड करते होंगे, 100 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं, 1,500 रुपए का कैश बोनस आपको मिलेगा माई 11 सर्कल पे। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ लिंक है, वहां से डाउनलोड करना है। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब देखिए, टोटल यहां पर 6 मैचेस खेले जा चुके हैं।
दो बैटिंग फर्स्ट ने, चार चेजिंग ने, स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तीन मर्तबा 190 प्लस गए, बाकी आप देखोगे एवरेज स्कोरिंग जो कि एक एक टाइम्स हुई है 183 का एवरेज, सॉरी 183 का यहां का एवरेज स्कोर है जो कि रहता है। देखिए अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगी तो शायद ना दिखे, यहां पे देखना 2022 का मैच है, इंडिया ने 208 किए, ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया, तो पिच तो यहां से आप समझ सकते हो, 8 विकेट पेसर्स को, 4 विकेट स्पिनर्स को। साउथ अफ्रीका ने 149 किए, ये इंडिया ने चेस कर दिया, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 3। ऑस्ट्रेलिया ने 160 किए, इंडिया ने चेस कर दिया पेसर्स को 7, स्पिनर्स को। तो ये थोड़े से पहले के मैचेस हैं, लास्ट अगर 2022 का मैच देखोगे वहां पे इंडिया ने 208 किए थे, तो रन्स वाइज काफी बढ़िया विकेट है, लेकिन वैसे प्लेयर्स भी होने चाहिए अगर यहां पर आपको रन्स करने। यहां देखोगे 12 विकेट गई, यहां 8 और यहां 10, थोड़ी सी विकेट्स ऑफ नंबर है वो थोड़ी सी कम है। देखिए अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी 13-14 विकेट आपको शायद दिख जाए, 15 भी दिख जाए, लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करेगी सेम आपको 12-13 विकेट, फिर तो आप मान के चलिए कि 12-13 विकेट ही जाएगी, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जाएगी। फिर क्या होना चाहिए, फिर थोड़े से बैट्समैन समझ लो इस चीज को, टोटल विकेट्स 29, फास्टर्स को 20, स्पिनर्स को 9 विकेट मिले। यहां पे बाकी आप देखोगे हेड टू हेड में देखिए भाई, 5 मैच खेले गए, 4 इंडिया ने, 1 का रिजल्ट निकला नहीं, जो कि आप ये सामने देख सकते हैं। यहां से पूरी अफगानिस्तान की टीम फ्लॉप थी, ये थोड़ा सा बैटिंग वाइज कुछ आया नहीं क्योंकि पूरा मैच नहीं हुआ। नेब ने, गुलाबदीन नेब ने 27 किए थे, यहां इंडियन टीम खेली नहीं थी, हर्षदीप सिंह को 1 विकेट था, 1 दुबे को, 1 बिश्नोई को। ये मैच कंप्लीट हुआ, इंडिया ने 212 किए, अफगानिस्तान 111 पे 8। यहां विराट कोहली का 100, 122 नॉट आउट, अक्षर 0, हर्षदीप को 1 विकेट। यहां आप देखोगे सारा कुछ फ्लॉप था, केवल इब्राहिम जादरा ने 64 नॉट आउट किए, उसके अलावा यहां पे फरीद अहमद है जिनको 2 विकेट मिले। तो अफगानिस्तान की टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। पावर प्ले में क्या होता है, पावर प्ले में देखना, हर इनिंग्स में आपको केवल 1 इनिंग्स निकाल लो, ये 1 इनिंग्स निकालो, हर इनिंग्स में आपको पावर प्ले में विकेट देखने को मिली है। देखिए इंडियन टीम की, मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि इंडियन टीम की विकेट जाएगी ही पावर प्ले में, लेकिन अफगानिस्तान की विकेट्स पावर प्ले में जरूर जाएगी। तो उसके वाइज आप देख लेना कि ओपनर कौन है और विकेट दो जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है, रन्स भी ठीक ठाक बने तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विकेट रहती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11। देखिए रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं, 47, 61, 40, 4, ये थोड़े से आप देख लेना रिसेंट के ओडीआईस के हैं, ये अच्छी फॉर्म में थे। शुभमन गिल 8, 0, 4, 80, शुभमन गिल रिसेंट में उतने फॉर्म में नहीं दिखे, ये 1, 80 आया था। विराट कोहली, अब विराट कोहली भाई साहब नहीं खेलेंगे, जी हां विराट कोहली पहले T20 मैच से रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो उनकी जगह कौन आ सकता है, उनकी जगह यशस्वी जायसवाल आ सकता है और शुभमन गिल को शायद वन डाउन बैटिंग करनी पड़े। तिलक वर्मा 52, 10+0, 1, 0, 29, तिलक वर्मा का रिसेंट में मौके मिले हैं लेकिन उतना उनको कंप्लीट नहीं कर पाए। जितेश शर्मा का देखोगे तो उतना बल्ला नहीं चला है। रिंकू सिंह ने अच्छा किया है रिसेंट में, 38, 17, 14, 68। अक्षर पटेल का देखोगे तो उतना खास नहीं है। कुलदीप यादव के देखोगे तो कुलदीप यादव के 5 विकेट यहां है, बाकी आपको खास नहीं दिखेगा। आवेश खान के एवरेज नंबर है। हर्षदीप सिंह 4 यहां, 1 यहां, 5 यहां, तो जो साउथ अफ्रीकन टीम थी उनके अगेंस्ट अच्छा किया था। मुकेश कुमार इस टीम के सामने अच्छा कर सकते हैं, डेथ में गेंदबाजी करते हैं हर्षदीप सिंह और मुकेश कुमार, ये चीज ध्यान में रखना, समझ गए। बैंक से एक नाम आ सकता है यशस्वी जायसवाल, बिकॉज ऑफ विराट कोहली मिस करेंगे पहला T20 मैच। उसके अलावा एक ऑप्शन रवि बिश्नोई है जो कि अक्षर पटेल की जगह खेल सकता है, बिकॉज रवि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फुल स्टैट्स रोहित शर्मा, 2 मैच में 75 रन किए हेड टू हेड में, वेन्यू पे 3 में 11 और 148 में 31 का एवरेज है, आप इनको CVC कर सकते हैं। शुभमन गिल हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 13 में 26 का एवरेज है। अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग ओपन करते हैं तो आप इन दोनों को सीवीसी कर सकते हो, फर्स्ट बैटिंग में भी और चेजिंग के दौरान भी। विराट कोहली खेलेंगे नहीं, तिलक वर्मा 1 मैच खेले हैं, बैटिंग नहीं आई, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 15 में 34 का एवरेज है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी तिलक वर्मा कर सकते हैं। पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं आप ग्रैंड लीग्स वगैरह में इनको जरूर एडवांटेज देना कि आप जो कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं तो उस वाइज आप जा सकते हो। बाकी मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, ना जितेश शर्मा करूंगा।
सात मैच में 13 का एवरेज है। रिंकू सिंह देखोगे 12 मैच में 65 का एवरेज है। रिंकू सिंह ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा किया है। इसकी तो थोड़ी सी वही प्रॉब्लम है कि भाई आईपीएल में पैसे नहीं मिल रहे। बाकी तो देखिए प्लेयर ठीक है, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन इस मैच में ज्यादा इंपोर्टेंस रहेगी नहीं। हाँ, पहले बैटिंग में आके फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कितने ओवर में करेंगे वो भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। तो रिस्की रहेंगे स्मॉल लीग में। तो सीधा सीधा बता दूं आपके लिए, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह, अक्षर पटेल एक मैच में 0 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 1-3, ओवरऑल 50-45। मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, कुलदीप यादव हेड टू हेड नहीं वेन्यू नहीं, ओवरऑल 34-58 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा। आवेश हेड टू हेड नहीं वेन्यू नहीं, ओवरऑल 19-18 ले सकते हो। अर्शदीप सिंह 2-2 अफगानिस्तान, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 42-59। मुकेश कुमार हेड टू हेड नहीं वेन्यू नहीं, ओवरऑल 11-10 विकेट है। तो यहां से अक्षर पटेल को छोड़ सकते हो, बाकी आप इन चारों को अपनी टीम में रखेंगे, आवेश खान, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार। बेंच से यशस्वी जायसवाल अगर खेलते हैं, 33 का एवरेज है, ओवरऑल T20 15 मैच खेल चुके हैं। यशस्वी जायसवाल अगर खेलते हैं, ओपन करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो गेम चेंजर कैप्टन बनेगा वो बनेगा यशस्वी जायसवाल। ध्यान में रखना, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, खेलने के चांसेस बन रहे हैं बिकॉज ऑफ विराट कोहली मिस आउट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 हजरतुल्ला जजाई 36 है 36 है 13 9 13, यानी कि थोड़ा सा स्टार्ट मिला है लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाई, वो थोड़ी सी जजाई की प्रॉब्लम रही है हमेशा से। गुरबाज का देखोगे, गुरबाज यहां 100 है, उसके अलावा यहां देखो 21 है 20 है। इब्राहिम जादरान अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं। अजमत ओमरजई ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। नजीबुल्ला जादरान ये आउट ऑफ फॉर्म हमेशा रहते हैं। मोहम्मद नबी ये मुझे ये इस बंदे का मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें। करीम जन्नत का देखोगे तो इनका भी ठीक ठाक है। नूर अहमद का देखोगे तो 3 विकेट यहां है, बाकी कुछ खास नंबर्स नहीं है। मुजीब ने अच्छा किया रिसेंट में। नवीन उल्लक का देखोगे तो 4 विकेट यहां है, बाकी कुछ खास नहीं। फजलक फारूकी का देखोगे, फजलक फारूकी की भी एवरेज है। नवीन उल्लक डेथ में गेंदबाजी करते हैं, उसके अलावा ओमरजई है वो आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा एक बड़ी चीज रहती है, वो इनके बॉलिंग ऑप्शन देखिए। ओमरजई 1, नाबी 2, करीम जन्नत 3 4 5 6 7 बॉलिंग ऑप्शन है, यानी कि ओवर्स कटेंगे। ओवर्स किसके कट सकते हैं? पिटाई हो सकती है फारूकी की, मेंस फारूकी के ओवर्स कट सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, करीम जन्नत के ओवर्स कट सकते हैं, उसके अलावा नूर अहमद के ओवर्स कट सकते हैं। ये 3 गेंदबाज हैं जिनके ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे। बैंक से इनमें से एक प्लेयर जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, जो खेलना चाहिए, राशिद खान खेलेगे नहीं, पहले T20 से रूल्ड आउट हो चुके हैं, गुलाबदीन नेब, ये प्लेयर ठीक ठाक है, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। फुल स्टैट्स जजाई 2 मैच में 6 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, और 41-28, कहीं ना कहीं इंडियन टीम के सामने प्रॉब्लम होगी। रहमानुल्लाह गुरबाज 2 मैच में 9 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, और 46-25। आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में यही मिलेगा जिसको आप ले सकते हैं। जादरान 1-64 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 27-26। जादरान को टीम में रख सकते हो। ओमरजई 1-0 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 27-17 15 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा। जादरान 3-5 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 97-31, मैं ज्यादा सजेस्ट आपको करूंगा नहीं। नाबी 4 मैच में 18 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 112 में 22 का एवरेज, 88 विकेट है। इस बंदे की यार प्रॉब्लम ये रही है ना कि मैं जब भी इसको अपनी टीम में रखता हूं ये कभी परफॉर्म नहीं करता। मैं जैसे ड्रॉप करता हूं ये पूरे ओवर डाल जाता है, ये 2 विकेट निकाल जाता है, वो थोड़ा सा एक राय। तो आप अपनी को ले लेना, मैं नहीं रखूंगा मोहम्मद नबी को टीम में, बिल्कुल भी मैं मोहम्मद नबी को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। उसके अलावा करीम जन्नत 3 मैच में 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 53 में 39 विकेट है। थोड़ी सी गेंदबाजी कम करते हैं, ओवर्स करते हैं, लेकिन आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं, तो करीम जन्नत को आप थोड़ा सा फेवर कर सकते हो। उसके अलावा नूर अहमद हेड टू हेड नहीं वेन्यू नहीं, ओवरऑल 3-4, पहले बॉलिंग करती है इनकी टीम तो जरूर लेना। मुजीब 1-0 हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 43 में 56 विकेट रहती है। मुजीब को देखिए, मुजीब लेने लायक प्लेयर है, लेकिन शायद हमारी फैंटेसी टीम में इनकी जगह नहीं बन पाएगी। नवीन 1 मैच में 0 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 30 में 39, मैं लेके जाऊंगा, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करती है। फारूकी 1-0 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 27 में 23, अगर पहले बॉलिंग करती है अफगानिस्तान की टीम तो आप नवीन, नूर अहमद, इन 2 को रख सकते हो। सेफ जाना चाहो तो फिर आपके पास मुजीब है और नूर अहमद, और नूर अहमद इनमें से कोई भी खेले, स्टैट्स आपके सामने हैं।
प्लेयर्स पैटर्न आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। ये जो है रोहित शर्मा, नवीन उल्लख ने एक बार आउट किया लेकिन पिटाई देखिए, राशिद खान ने चार बार आउट किया ये खेलने नहीं वाले, मोहम्मद नाबी ने एक बार, एक बार करीम ने, शुभमन गिल, राशिद खान ने दो बार ये खेलने नहीं वाले, विराट कोहली, मुजीब ने एक बार, दो बार, राशिद खान ने खेलने नहीं वाले, तिलक वर्मा, नवीन उल्लख ने एक बार, राशिद खान ने दो बार, उसके अलावा कोई मैचअप खास है नहीं। राशिद खान के मैचअप है जो कि खेलने नहीं वाले। यहां आप देखोगे कोई भी मैचअप नहीं है क्योंकि सारे अर्शदीप सिंह ने नाबी को एक बार जरूर आउट किया, तो यहां से आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब टीम की तरफ चलते हैं, टीम में आपको क्या करना है देखिए, गुरबाज को रखा, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन रखे, विराट कोहली खेलने नहीं वाले। आप सोच रहे होंगे किशन भाई आपको पता है विराट कोहली खेलने नहीं वाले, फिर आपने रखा है क्यों है? क्योंकि ये रात को शूट हुआ है वीडियो, उस वक्त अपडेट नहीं था, समझ रहे हो ना। अब देखोगे शुभमन गिल को एज ए वाइस कैप्टन, लेकिन यहां पे यशस्वी जायसवाल जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में, वो चीज ध्यान में रखना, इब्राहिम जादरान, ओमर जाई, कुलदीप यादव, नवीन उल्लख, रवि बिश्नोई शायद ना खेले, खेले तो ले लेना, मुकेश कुमार है, अदरवाइज इसकी जगह आपको अर्शदीप सिंह लेना ही है, नूर अहमद है, नूर अहमद के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों प्लेयर आपको पता है ना कब लेने हैं, मैंने आपको वीडियो में चीजें बताई है, तो आप जाके वो देख लेना लेना कब है, अदरवाइज फिर आप ऊपर जाएंगे बैटिंग वाइज जाएंगे, आप फिर नाबी के साथ जा सकते हो, करीम जन्नत के साथ जा सकते हो, थोड़ा सा आपको बैटिंग वाइज है वो कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि पहले बैटिंग कौन कर रहा है, पहले बॉलिंग कौन कर रहा है, क्योंकि अगर उस चीज को साथ में लेके नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखना, इस तरीके से टीम बनाओगे आप बैटर करेंगे। बाकी आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हाँ माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, क्योंकि एसयूवी कार आपको मिल रही है, 1500 का कैश बोनस मिल रहा है, 20% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।